जो ये चीज़ खिला रहे हैं ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे पंजाब की बात क्या करूँ, पूरे इंडिया की बात करता हूँ मैं, कहीं नहीं मिलने वाली। चलो यार, अपने चैनल पे ना एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए लेके आए हैं जिसका पूरा पंजाब दीवाना है। पंजाब में सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, इसके अलावा कहीं ना बनेगी ना मिलेगी। पंजाब की बात करूँ क्या, इंडिया की बात करूँ क्या, वो चीज़ है। चलाओ दिखाते हैं आपको, चलो मेरे साथ भाई। ये सिलसिला चलता रहता है। देखो जी, ये देखो, ये आगे तवे पे ग्रेवी, ये देखो। और ये तवा नहीं, तवे के पापा हैं। ये बड़ा तवा है, बहुत लंबा तवा है, नाना करता है 3-3.5 फुट का तवा है। और इसके ऊपर देखो नज़ारा, देखना अभी ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। और ये हरमेल टिक्का ना, मैं एक राजपुरे की नहीं बात करता हूँ, मैं पूरे एक सिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ जी पूरे पंजाब की शान बन चुका है। ये देखो, देखो ये कुलचा बड़ा स्पेशल कुलचा है। देखो नज़ारा देखो जी, क्या बात है जी। तो भाई ये देख सकते हो ना, मसाले के ऊपर कुलचे आ रहे हैं, धड़ाधड़ कुलचे आ रहे हैं। एक बारी पे कितने कुलचे लग जाते भाजी? 25-30 लग जाते हैं। 25-30 कुलचे भाई। वीडियो देख रहे हो ना आप, गिनती करके बताओ कितने कुलचे लगते हैं। ये देखो, तो सर ये बताओ आपका हरमेल ढाबा स्टार्ट कब हुआ था? 1980 से काम चल रहा है ये पूरा, 1980 से। और ये इन्वेंट आपने की है पनीर टिक्का। लोगों को पनीर टिक्का का नाम आता तो आपके लोगों के माइंड में आता है कि वो बारबेक्यू वाला पनीर टिक्का। पनीर टिक्का आपने कुछ अलग निकाल दिया, पनीर टिक्का ग्रेवी वाला ही तैयार किया है। ये हमने पनीर टिक्का ग्रेवी वाला तैयार किया है। ठीक है, हरमेल किसका नाम होता था? हरमेल एक्चुअली मेरे फादर थे। अच्छा, आपके फादर ने स्टार्ट किया था ये? हाँ जी। ठीक है, तो अब सेकंड जनरेशन आ गई है। हाँ जी। तो ये कुलचे देखो, नज़ारा देखो कुलचे पे, ये देख रहे हो, ये तवे के ऊपर अलग सा माहौल बना हुआ है। देखो तवे के ऊपर, ये देखो, ये लग रहा है जी हरमेल जी का पनीर टिक्का। क्या बात है जी, लाजवाब नज़ारा है जी तवे का। देखो जी, ये देखो, क्या बात है, तवे का माहौल देखो जी, गजब ना माहौल है, गजब। क्या बात है, ग्रेवी पे ग्रेवी आ रही है, पनीर पे पनीर टिक्का आ रहा है। तो भाई इन्होंने बताया कि 1980 से स्टार्ट किया था, और 1980 से ऐसा चीज़ बना दी है जी कोई लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी डिश कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। तो सर ये बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया था ये? एक्चुअली साडा पहला नॉन वैज का काम है। ठीक है। तकरीबन 1975-80 तो। ठीक है। तो उस तो बाद असी 1993 च एक काम पनीर का शुरू कर दिता। अच्छा, ये डिश आपके दिमाग में आई कैसे? बस एक्चुअली नॉन वैज का काम छोड़ना चाह रहे थे, इसलिए ये अच्छा पनीर का काम शुरू कर, पनीर का शुरू करता। और ऐसा स्वाद लोगों को लगा दिया आपने पूरे पंजाब को, ऐसी चीज़ कहीं मिले ही ना। सर इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हो? सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। 8 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ जी, 8 बजे से फिर शाम को 5 बजे प्रिपेयर हो जाता है पूरा, उसके बाद हाँ जी सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या आइटम होती है आपके पास? इसके अलावा कुलचा, इसके साथ खाने के लिए कुलचा देते हो साथ में? हाँ जी हाँ। एक चना सूप है। चना सूप है। हाँ जी। कितने बजे से? 5 बजे से लेकर कितने बजे तक रहती है? 5 बजे से रात को 10 बजे तक। छुट्टी रखते हो किसी दिन? छुट्टी तो वैसे जब दिल करता है कभी कभी कैसे कर लेते हो। तो भाई ये बुलबुले देख रहे हो ना, जो ये उबाल आ रहा है, ऐसा ही उबाल यहाँ पे खाने वालों के दिल में आ रहा है जी, जो लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखो जी, ये सारी मसाला अलग से क्यों पैक कर देते हो? कुलचे के लिए? हाँ जी, कुलचे के ऊपर डीप करने के लिए। सिंपल कुलचे ले लेते हैं कहीं? क्या सिंपल कुलचे ले लेते हैं? हाँ ये ठीक है। कई बंदे दूर लेके जाते हैं ना, दूर लेके जाते हैं। ये देखो, ये मसाला अलग से पैक हो गया कुलचों के लिए। तो बड़ा सा तवा रखा हुआ, तवे के ऊपर हैंडल लगा हुआ, हैंडल के साथ ये इन्होंने बना रखा है जी पैकिंग के लिए। ये देखो, ये देखो। तो भाई खाने वालों का काम कम और पैक करवाने वालों का ज़्यादा है। ये देखो जी, अब एक तवा ख़त्म हो चुका है, दूसरे तवे की तैयारी चालू हो गई है जी। ये देखो, ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। ये देखो, रात की तैयारी हो रही है, क्योंकि रात पड़ते ही ना यहाँ पे 6-7 बजते ही यहाँ पे ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसी रश लग जाता है। भाई ये देखो जी, ये प्याज हो रहा है जी पैक, सैलड पैक करने के लिए अलग से एक बंदा रखा हुआ है उन्होंने। भाई दुकान के मेन्यू में ना सिर्फ 3 आइटम हैं इनका, हरमेल स्पेशल टिक्का, पनीर टिक्का, उसके बाद है जी कुलचा, एक सूप। तो ये हम देखो जी प्लेटों पे प्लेटें लग रही हैं, प्लेटों पे प्लेटें लग रही हैं। भाई बोल कुछ अलग सा ही है, शानदार सा ही है। ये देखो, ये देखो, ये प्लेटों पे प्लेटें लग गई हैं। ये देखो, ये नज़ारा देखो प्लेटों का। हाँ करी, ये प्लेट लग गई है। प्लेट में सबसे पहले आया जी पनीर टिक्का, पनीर टिक्का आने के बाद आ गया प्याज, प्याज के बाद बताओ उस्ताद जी क्या आएगा। ये देखो, ये चटनी है। जितनी दीवानगी इनके पनीर टिक्के की है ना, उतनी ही दीवानगी इनकी चटनी की है। ये देख रहे हो, ये आ गया जी चटनी। प्याज आने के बाद आ गई जी प्लेट तैयार होके, कुलचे आ गए 2। ये प्लेट तैयार हो गई है, बाबूजी ने हमारे लिए प्लेट तैयार कर दी। सीधा मिलते हैं टेबल पे। ये देखो तो लो जी, अपना टेबल सज चुका है हर बारी की तरह। और टेबल के ऊपर ना जो चीज़ आज दिखाने लगे हैं ना, ना ये कहीं मिलती है ना हमने कभी ट्राई करी है। चीज़ की ना इतनी तारीफ सुनी थी। सबसे पहले आते ही मैंने प्लेट ली, प्लेट लेते मैंने एक प्लेट खा चुका हूँ। ये सेकंड प्लेट आ गई है, सेकंड प्लेट आ गई है। ये भी पूरी ख़त्म करके जाऊँगा। ऐसी दीवानगी है भाई, ऐसी दीवानगी है। दुकान 5 बजे खुलती है, तैयारी सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो, ये पहले ये देखो जी नुन्ने नुन्ने से कुलचे। ये देखो छोटे छोटे कुलचे हैं, प्यारे प्यारे, बर्गर की तरह, छोटे छोटे बर्गर की तरह। 5 रुपये का कुलचा भाई साहब, 5 रुपये का कुलचा। 120 रुपये इस चीज़ के, ठीक है, 120 रुपये इस चीज़ के। और जो ये चीज़ ऊपर डाल दी ना, मेरे हिसाब से ना इस चीज़ को 1200 रुपये होने चाहिए थे। भाई टिक्का सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में बात चलती है बारबेक्यू वाला टिक्का, ग्रिल वाला टिक्का, चैम्बर पे जो बनता है वो टिक्का। कुछ अलग ही कर दिखाया जी इन्होंने। 40 साल पुरानी दुकान है, जो ये चीज़ खिला रहे हैं ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे पंजाब की बात क्या करूं, पूरे इंडिया की बात करता हूं मैं, कहीं नहीं मिलने वाली। ये इनका टिक्का है, देख रहे हो, पनीर टिक्का ये है, पनीर टिक्का ये है। प्लेट भरी हुई है पूरी। दिल्ली से कहीं भी जा रहे हो, हाईवे से निकल रहे हो ना, थोड़ी सी ब्रेक मारना, 1-2 किलोमीटर अंदर आना। 5 बजे से लेकर रात का टाइम है ना, इस चीज़ के लिए ना मैं नॉनवेज भी छोड़ सकता हूँ। लाजवाब जायका है, मज़ेदार जायका है। ट्राई करना कहाँ है, हरमेल टिक्का गूगल पे डालना, यहाँ पे सीधा पहुँच जाओगे। फ़ोन नंबर, गूगल लोकेशन वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। तो भाई मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।